सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। नवरात्रि चल रहे हैं, हम लोग भी एक दिन मंदिर जाते हैं, तो हमने सोचा वीडियो नहीं बनाई थी, फ़ोटो क्लिक की थी एक दो, तो बस मैंने सोचा बेटी आ गई थी उसी दिन मंदिर गए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, जय माता दी सबको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं अकेली रहती हूँ, बच्चे हैं नहीं घर पे, तो मन थोड़ा उदास सा रहता है, तो यही सब आपके साथ शेयर करेंगे कि वाकई में बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। घर में बैठे रहो, बोर होते रहो, बस फ़ोन देख लो, अकेले में फ़ोन नहीं अच्छा लगता है, टीवी फ़ोन कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, तो फिर यही सब है रीज़न बच्चे बाहर पढ़ते हैं। पढ़ाना भी ज़रूरी है भाई, बच्चे तो बाहर जाएंगे ही। और देखिए आप लोग, सच में बिल्कुल मन नहीं लगता है काम करने में ना कुछ। आगे आप लोग ब्लॉग देखिए, और मैं यहाँ किचन में आ गई थी, खाना बना रही थी, और पता है बच्चे होते हैं ये बना दो वो बना दो, आजकल तो बस रोटी सब्जी यही चल रहे। बच्चे होते हैं तो चावल भी जल्दी जल्दी बन जाते हैं, मम्मी चावल बनाओ। हमारी बेटी है ना, वो ज़्यादा जल्दी जिद करती है, चावल अक्सर उसको चावल चाहिए, और कहीं पास्ता, कहीं मैगी, और कहीं सैंडविच, यही सब बनवाती रहती है। अब बच्चे हैं नहीं तो बस रोटी सब्जी यही सब कुछ चलता रहता है। तो मैं बस खाना बना रही थी, यही सोच रही थी कि भाई बच्चे नहीं हैं तो बहुत बुरा लगता है। दो दिन तो मैं सच में, बेटा गया था पिछले साल, तब नहीं इतना लगा था कि बेटी थी ना मेरे पास, तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेते थे, सब कुछ बात कर लेते थे। लेकिन जब बेटी गई मेरी, तब हम दो दिन सच में किचन में खड़े खड़े ऐसे ही रोते रहे। कुछ भी बनाओ मन नहीं लगता था, खाना खाने बैठो तो भी मन नहीं लगता था, बनाने में भी नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसा लगता था वो कैसी बनाएगी, अपने हाथ से कैसी करेगी, बाहर गई है। और बाहर जाने से ना बच्चे ज़िम्मेदार भी हो जाते हैं, जाना भी चाहिए थोड़ा। घर में क्या है, उनको ये लगता है मम्मी कर लेंगी, है ना, ये सब रहता है बच्चों के मन में भी, लेकिन उनको जाना चाहिए। हाँ, जब जाते हैं तब सोना सोना तो रहता ही है। तो मैं यहाँ भगवान जी का भोग के लिए बना रही हूँ, ये पहली रोटी मैं भगवान जी को चढ़ाती हूँ। और दोपहर का 1 बज रहा था, तो मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी कि रात को हमें याद आया एकदम से, तो मैंने बताया यहाँ भी सूना रहता है। मैं देखती थी कि यहाँ भी कोई नहीं है घर में, दोपहर को फ्री हो जाओ तो मन नहीं लगता है ना, और सारे कमरे किचन सब कुछ सूना रहता है। मैं दिखा रही थी दोपहर में 1 बजे 1:30 बजे टाइम पास नहीं होता है। मेरे घर का ये पंखा गिर गया था रात को, 2 दिन पहले की बात है, कोई नहीं था यहाँ पे, ये गिर गया ऊपर से अपने आप ही। ये अच्छी रहा कि यहाँ हम लोग बैठ के पूजा भी करते हैं, हम सिलाई मशीन भी रख लेते हैं, और मंदिर सामने ही है ना, तो पूजा करते हैं, तो गिर गया है, तो ये अच्छा था कि रात में गिरा। और सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर आए हम बाहर की तरफ, मतलब गली की साइड, तो इधर कुन्नू का ये खाना वाना पड़ा है, ये भी एकदम सुस्त रहता है, बेटी के साथ ज़्यादा रहता था तो ये ज़्यादा नहीं खेलता है। तो मैंने बाहर देखा, आजकल बहुत धूप पड़ रही है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी पड़ने लगी है। अब मैं कुन्नू को ढूंढ रही थी, कुन्नू यहाँ बैठे, ये भी चुपचाप बैठा रहता है, बेटी के साथ खेलता था। इसको लगा मैं खाने के लिए कुछ लाई हूँ, तो निकल आया बाहर, और फिर मैंने कि मैंने उसको ऐसे कर दिया, जाओ बैठो जाके वहाँ पे। और ये पता, ये 2 दिन तो कुछ खाता नहीं है, और जब बेटी गई तो 2 दिन कुछ खाया नहीं था। और सैटरडे को आ जाती है ना वो, तो संडे मंडे को और वेनसडे को ये कुछ खाता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं यही सब शेयर कर रही हूँ, मैं खाना बना के यहाँ खाना खाने लगी हूँ। वही सब कुछ करना पड़ता है अकेले में, खाना भी खाओ, पेट तो भरना ही पड़ेगा, बच्चों को याद करके तुमने क्या बनाया, तुमने क्या खाया, यही सब मतलब पूछते रहते हैं। शाम को हम लोग टहलने चले जाते हैं, तो आजकल नवरात्रि की वजह से मेला की भीड़ भी है, मेला लगा हुआ है ना, तो हम लोग गए थे टहलने झूले के सामने, तो इतनी भीड़ थी कि भाई निकलना मुश्किल हो गया। तो हमने कहा कुन्नू के लिए वो ले लो बॉल, पहले जब जन्माष्टमी के बलून थे तो कुन्नू बहुत अच्छे से खेलता था, तो मैंने कहा भाई ले लो बलून, बॉल ले लो, बलून नहीं बॉल ले लो, खेलेगा साथ। इन्होंने कहा झूला झूलोगे? मैंने कहा मुझे मरे हुए ले जाना यहाँ से, झूले में तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, और कितनी भी पुलिस लगी हो कुछ भी हो, पर भाई भीड़ तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पर नवरात्रि की वजह से, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। खजा की दुकान है यहाँ पे, खजा हम लोग बॉल देखने लगे थे, बॉल
बहुत महंगी, इतनी पतली थी वॉल, कुल्लू के नाखून से तुरंत फट जाती, 30 रुपये से ज़्यादा बोल रहा थी इसकी लगा लूँगा, ले लो ले लो, पर मैंने नहीं ली। फाइनली फिर मैंने दूसरी दुकान से 60 रुपये की बॉल ली थी, ये थोड़ी मजबूत भी है और कुल्लू हमारा बॉल से बहुत खेल रहा था, इसमें अभी नहीं वो कर रहे हैं उसको, पर इस पर 2 पैर रख के इतना इतना खेलता है, इतना खेलता है पूरे पूरे मैन की सही रहे, हम ले आए हैं अभी, ज़्यादा नहीं खेल रहा लेकिन वैसे बहुत खेलता था, बहुत बॉल खेल रहा था इससे। रात को हमने इसको खिलाया, लेके आए शाम को, रात को टहलने चले जाते हैं, क्या करें मतलब, तो अच्छा लगता है 1 घंटा बाहर चले जाते हैं, सारे दिन घर में पड़े रहो तो अच्छा नहीं लगता है। और कुन्नू के साथ यही हमारा वीडियो एंड करते हैं, कुन्नू के साथ ही हम अपना टाइम पूरा अपना गुजारते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।